हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गया एक्सेल का थर्ड वीडियो, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे कॉलम और रो और सेल होता क्या है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मेरा नाम है ओम प्रकाश कुमार और आप देख रहे हैं मैक्स कंप्यूटर। तो चलिए हम एक्सेल को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए हम जाएंगे विंडो के स्टार्ट बटन पर और सिंपल यहाँ से ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद हम यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं, या हम यहाँ पर सिंपल एक्सेल लिखेंगे ना तो एक्सेल यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। एक्चुअली हम एक्सेल को स्टार्ट कर रखा हूँ, तो चलिए हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों बता दें कि यहाँ पे हम ओपन कर लिए एक्सेल को और आज हम लोग सीखेंगे व्हाट इज ए कलम और व्हाट इज ए रो और व्हाट इज ए सेल, ये तीन होता क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कलम होता क्या है। तो दोस्तों बता दें कि हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं ना, तो जो हम अल्फ़ाबेट पर क्लिक कर रहे हैं इसी को हम कलम बोलते हैं। जैसे कि हम बी पे क्लिक किए या जी पे क्लिक किए तो हम इसे कॉलम बोलते हैं। और बात करते हैं रो की, तो हम न्यूमेरिकल जो दिया हुआ है, जैसे 4 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो इसे हम रो बोलते हैं। अब बात आती है दोस्तों सेल का, सेल होता क्या है। तो दोस्तों हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ना तो देखेंगे यहाँ पर हमारा A5 लिख कर आ गया है। तो ये दोस्तों बता देगी, ये सेल का नाम बता रहा है। एक्चुअली सेल का नाम इसलिए बता रहा है ना A5, कि हम अभी जो कॉलम पे हैं वो A4 हैं और जो रो पे हैं वो हम 5 पे हैं, तो इसलिए ये A5 नाम बता रहा है सेल का। तो दोस्तों बता दें कि कॉलम और रो को मिलाकर ही एक सेल का निर्माण होता है, जो कि हम कॉलम और रो और सेल के अंडर में हम एक्सेल में काम करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो में एक्सेल से रिलेटेड डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।